आज हम सारणिक डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कोई भी सारणिक है ए बी सी डी, ये किस ऑर्डर की है, टू क्रॉस टू ऑर्डर की है, तो ये जैसे एक रूप में सारणिक, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सारणिक के रूप में। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक बात ध्यान रखने की है कि जो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा या मोड ए होगा वो कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। डिटरमिनेंट ऑफ मोड ए नॉट इक्वल टू मोड ए, कहने का मतलब ये है जैसे एग्जांपल कि जैसे माइनस तीन है मोड में, अब इसको हम वैसे मैथ पढ़े तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस तीन, कितनी होगी प्लस तीन, लेकिन हम ये पढ़े इसको डिटरमिनेंट ऑफ माइनस तीन तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस तीन। जब हम ये वाली एक्सरसाइज पढ़े तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस तीन तो माइनस तीन के इक्वल होगा, और यदि सामान्य पढ़े तो माइनस तीन किसके इक्वल होगा, प्लस तीन के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ए इक्वल टू टू फोर थ्री फाइव, एक किसान दी है। अब अपने पास जैसे ज्यादातर ऐसे होता है या तो कंसेप्ट समझ लो या क्वेश्चन के थ्रू भी अपने पास कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो मेरा मानना है कि यदि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसे अपने कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। तो जैसे ए डिटरमिनेंट्स दिया है टू फोर थ्री फाइव, अब इसमें बेसिक जानकारी होगी, जैसे आपको ऐसे बोले पहली पंक्ति में पहला अवयव बताओ, पहली पंक्ति में पहला अवयव कौन सा है, तो पहली पंक्ति में पहला अवयव होगा ए वन वन, वो कितना है टू। आपसे पूछे फर्स्ट पंक्ति और सेकंड अवयव, पहली पंक्ति में दूसरा अवयव कौन सा है, तो पहली पंक्ति तो यह, दूसरा अवयव कौन सा हुआ फोर, तो ए वन टू इसकी वैल्यू कितनी है फोर। ये आपको ऐसे पूछे कि दूसरी पंक्ति पहला अवयव बताओ, तो ये दूसरी पंक्ति है तो पहला अवयव हो गया ए टू वन, इसकी वैल्यू है थ्री। दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव बताओ ए टू टू, इसकी वैल्यू कितनी है फाइव। तो आप ए वन वन का मतलब है पहली पंक्ति पहला अवयव कितना है दो है, ए वन टू पहली पंक्ति में दूसरा अवयव इसका मान कितना है चार। ये हम मैट्रिक्स के बारे में, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब इसमें आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका प्रसार करो, पहली पंक्ति के रूप में करो, दूसरे पंक्ति के रूप में करो, या पहले स्तंभ के रूप में करो, या दूसरे स्तंभ के रूप में। आज हमारा प्रमुख उद्देश्य इसका प्रसार करना, क्या करना है प्रसार, तो प्रसार करना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टू बाई टू ऑर्डर की कोई भी डिटरमिनेंट्स हो इसका प्रसार करना। तो प्रसार करने के लिए अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है टू फोर थ्री फाइव, इसका प्रसार करना है। तो ये इसमें कितनी पंक्ति है दो पंक्ति, और स्तंभ में कितने दो, तो प्रसार करने के लिए जब इसका ऑर्डर हो टू क्रॉस टू तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, तो टू क्रॉस फाइव बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, और आपस में इनको गुणा करेंगे तो थ्री क्रॉस फोर, ये हो गया टेन, ये हो गया ट्वेल्व इक्वल टू माइनस टू। तो इसके प्रसार करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हुई माइनस टू, तो इसका प्रसार का आंसर होगा माइनस टू। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे थ्री सिक्स माइनस टू सेवन, इसका अपने को प्रसार करना है। इनको मुख्य विकर्ण वाले अवयव को आपस में गुणा कर लिए, तीन गुणा सात बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, और इनको भी आपस में गुणा करेंगे तो माइनस दो गुणा छ, तीन को सात से गुणा किए, आपस में इनको गुणा करेंगे लेकिन माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, दो गुणा छ आ गया, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो गया तैतीस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कोई भी डिटरमिनेंट्स है ए इक्वल टू ए बी सी डी, डिटरमिनेंट्स है आज पढ़ेंगे माइनर, इसको बोलते हैं उपसारणिक या लघु सारणिक। जो कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में पिछले एक्सरसाइज में हमारे को डिग्री की कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन,
ए आई जे तो क्या है, उस मैट्रिक्स के अवयव होंगे, और एम क्या है पंक्तियों की संख्या, और एन क्या होता है स्तंभों की संख्या। जैसे हम जानते हैं मैट्रिक्स में, जैसे कोई भी ये मैट्रिक्स थी 3x3 होकर के अपने पास मैट्रिक्स दी हुई है समझने के लिए, तो A11, A12, A13 तो ये अपने पास कोई मैट्रिक्स थी पिछले एक्सरसाइज में, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, तो इसमें पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। तो A11 का मतलब है पहली पंक्ति में पहला अवयव, जैसे आपको पूछे A22 इसको क्या रीड करेंगे, दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ वाला अवयव। A31 तो तीसरी पंक्ति में पहले, तीसरी पंक्ति में पहला स्तंभ वाला अवयव बताना है। अब जैसे इससे कंपेरिजन करें, आपके पास 1 2 3 0 7 9 4 5 6, अब आपको पूछे कि A31 की वैल्यू कितनी है, तो A31 होता है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव, तो A31 इसमें कितना होगा 4। अब जैसे मैं जानता हूँ कि आपको ये चीजें आती है, इनके माध्यम से हमारे को उपसारणिक आएगी और इससे अगला टॉपिक आएगा। अब जैसे आपको पूछे इसमें A22 इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी हम पिछले मैट्रिक्स एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो A22 क्या होता है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव, तो इसमें कितना होगा देखो 7 होगा। तो इसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स, तो माइनर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ = इसमें लिखेंगे M11, M12, M21, M22। अब जैसे इन दोनों के कंपेरिजन करें और आपको पूछा जाए कि M11 की वैल्यू कितनी है, तो M11 क्या है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव है, तो इसके यहाँ पे कितना है A, इसका आंसर होगा M11 कितना होगा A। M12 कितना है तो आप क्या बताओगे कितना है इसमें B। तो इसी प्रकार जैसे कंपैरिजन के लिए M21 इसकी वैल्यू हो गई C, M22 इसकी वैल्यू हो गई D। ये तो हम समझ लेंगे। अब जैसे M11 निकालेंगे कैसे वो है, तो जैसे M11 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, M11 की वैल्यू फाइंड करना हो तो ये तो रिप्रेजेंट थे ये न कि M11 है, M12, M21, M22 ये गलत है, ये आपका होगा A11, A12, A21, A22। मैट्रिक्स के हम इसके बारे में पढ़े थे। अब M11 कैसे निकालेंगे वो देखो, जब भी M11 निकालना हो तो आप पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को छोड़ दो, तो अपने पास क्या बचा M22, ये बचा है वही आपका क्या हो गया M11। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल है जैसे A डिटरमिनेंट अपने पास दिया और M11 निकालना है, माइनस निकालना है, तो M11 कैसे निकालेंगे, आप पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को छोड़ दिए तो आपके पास कितना बचा 4, M11 की वैल्यू कितनी 4। इसी प्रकार हम निकालेंगे M12, तो इसको कैसे निकालेंगे अपने को M12 ये बताना है इसको, तो M12 में आपको है ये वाला अवयव है इसका मान बताना है, तो पहली पंक्ति में तो पहली पंक्ति छोड़ दिए और ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है, दूसरे स्तंभ जिसमें वो वाली पंक्ति और वो वाला स्तंभ छोड़ दो तो अपने पास कितना बचा 3, तो M12 की वैल्यू आ गई 3। अब जैसे अपने को मान बताना है M21 ये वाला इस नंबर पे आता है इसका मान बताना है, तो आप क्या करोगे इस वाली पंक्ति को छोड़ दिए और इस वाले स्तंभ को छोड़ दिए तो अपने पास क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2। जैसे M22 इसकी वैल्यू बतानी है तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव है इसका मान बताना है, तो ये वाली पंक्ति छोड़ दिए और ये वाला स्तंभ छोड़ दिए तो अपने पास कितना बचा 1। तो अपने पास M11, M12, M21, M22 इसकी वैल्यू आ गई, तो अपने को ये MIJ पूछे, MIJ इसको बोलते हैं माइनर्स या उपसारणिक, तो इस क्वेश्चन की उपसारणिक क्या आएगी अपने पास 4 3 2 1, 4 3 2 1। और अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अपने पास क्वेश्चन था
A को डिटरमिनेंट था 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन A डिटरमिनेंट है, उसके माइनर क्या करना था, तो यह है 4, 3, 2, 1। एक और एग्जांपल है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, A डिटरमिनेंट दिया हो अपने पास। अब इसमें M11 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह आप पहले वाले पंक्ति को और पहले स्तंभ को छोड़ दिए, तो अपने पास कितना आया, -6। तो इसकी वैल्यू भी -6। M12 निकालना है इसके, तो आपको करना है कि पहली पंक्ति को इसको छोड़ दिए और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिए, तो अपने पास क्या बचेगा, 7। M12 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसी प्रकार अपने को M21, अब अपने को M21 इसके वैल्यू फाइंड करनी है। M21 के दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ वाला आपके हुआ है, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ वाला आपके हुआ है 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पंक्ति को छोड़ दिए, इस स्तंभ को छोड़ दिए, तो अपने पास क्या बचा, -2। M21 की वैल्यू आ गई -2। इसी प्रकार अपने को M22 इसका मान बताना है, तो M22 इसमें दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले इसका मान बताना है अपने को, तो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ को छोड़ दिए, तो अपने पास कितना बचा, -3, इसकी वैल्यू आ गई -3। तो अब आपको MIJ पूछेगा उपसारणी बताइए, उपसारणी हमने कितनी निकली, -6, फिर 7, M21 -2, M22 -3, MIJ ये वैल्यू आ गई। तो अपने पास इस क्वेश्चन का MIJ आ गया, तो उपसारणी आ गई। अब आपको इसमें इसका पूछता है, इसका CIJ ज्ञात कीजिए, कोफैक्टर्स। तो आगे कोफैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन लेते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिया हुआ, इसमें आपको ज्ञात करना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को होते हैं 7, इसका फॉर्मूला होता है CIJ कोफैक्टर्स को इक्वल टू -1i+j MIJ। अब कोफैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल चुके हैं, MIJ, और -1i+j है, तो इस क्वेश्चन का हमारे को कोफैक्टर्स बताना है। तो जैसे अभी हम इसको सोल्व किए थे, तो MIJ कितना आएगा, -6, 7, -2, -3 आएगा। अब इसका CIJ निकालेंगे, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होगा -1i+j और MIJ, तो MIJ की वैल्यू है अपने पास -6, 7, -2, -3। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें i+j क्या रखे, जैसे कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव है, तो i का मान भी 1 होगा, j का मान भी 1 होगा। जैसे a11 हो, तो इसमें i कितना है, 1, और j भी कितना है, 1। ये तो पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्तंभ को। जैसे आ जाए a21, तो आप इसमें i के लिए तो क्या लिखोगे, 2, और j के लिए क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। अब हमारे को इसका CIJ बताना है, तो इसको हम लागू कैसे करते हैं, वो आसानी से देख लो। MIJ को हम इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, M11, M12, M21, M22। अब यहाँ पे देखोगे, इसमें M11 के लिए I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 होगी, M12 के लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 होगी। तो जब भी i+j यदि सम संख्या हो, तो हमेशा प्लस में आएगा, जो भी संख्या लिखी जाएगी वो किस में, प्लस में, और जब i+j विषम संख्या हो, तो जो भी हम मान लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, माइनस में। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, पहले नंबर पे आ रहा है m11, तो आप देखो 1+1 कितने हुए, 2, और 2 सम संख्या है या विषम संख्या, सम संख्या है, तो आप किसका चिन्ह लगाओगे, जो चिन्ह है वही रहने दोगे, तो आप लिखोगे -6, क्या लिखोगे, -6। अब 7 किसकी वैल्यू है, M12, तो 1+2 कितने हुए, 3, विषम संख्या आ गई, तो चिन्ह बदल दो, तो यहाँ पे क्या था, 7 था, तो आप क्या लिखोगे, -7, क्या लिखोगे, -7। अब अपने को बताना है M21 किसकी वैल्यू, तो
आप देखो 2 + 1 कितने हुए, 3। सम संख्या है विषम संख्या, विषम संख्या है तो आप इसका भी चिन्ह बदलोगे तो -2 की जगह क्या लिखोगे, +2। फिर m2 2, इसकी वैल्यू -3 तो आप देखोगे 2 + 2 कितने हुए, 4। सम संख्या है तो वैसे वैसे रख दो तो -3। तो अपने पास cij कितना है इसका, -6 -7 2 -3, ये अपना cij आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा।